शराब पी गए ड्यूटी करते हैं उसके बाद मारा गया इनको। ये सब डरपोक आदमी है। इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। छोटे छोटे बच्चे ये दोनों अंदर काम करते थे, काम करते थे इसी कैंप में। और सुबह जब इंट्री हुई, इंट्री होने के पहले इन्होंने फायर कर दिया। ये डरपोक आदमी है, दारू पी के ड्यूटी करते हैं। मैं यहाँ आर्मी गेट के सामने खड़ा हूँ और सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब यहाँ पर इस आर्मी गेट से अंदर से फायरिंग हुई है और दो लड़कों को इन्होंने मार दिया है। वो दो लड़के आर्मी के अंदर काम करते थे, दोनों को गोलियां लगी हैं और दोनों मर गए हैं। दोनों को यहां पर रखा हुआ है और आर्मी वालों ने यहां से गोली मार के बच्चों को उठा के थोड़ा आगे खिसका दिया है। कितनी बेरहमी की बात है, कितना दुख की बात है कि आर्मी हमारी अपनी और अपने ही बंदूक को मार रही। सुबह 6 बजे लाइट थी और ये शराब पी के ड्यूटी करते हैं, शराब पी के ड्यूटी करते हैं उसके बाद मारा गया इनको। डरपोक आदमी है ये। इंडियन आर्मी छोटे छोटे बच्चे ये दोनों अंदर काम करते थे। सुनो ये दोनों बच्चे अंदर काम करते थे। इसी कैंप में। और सुबह जब इंट्री हुई, इंट्री होने के पहले इन्होंने फायर कर दिया। ये डरपोक आदमी है, दारू पी के ड्यूटी करते हैं, इसलिए इन्होंने फायर किया है। इनका कॉमन सेंस नहीं था उस समय, ये इसलिए इन्होंने फायर किया। दो बच्चे दोनों गरीब है, कहाँ जाएंगे? बर्तन मांझ के अंदर ही बर्तन मांझ के इसी कैंप में, ट्रांजिट कैंप में ये बर्तन साफ करके अपना गुजारा करते थे। इनको डेली पता है सुबह मतलब 5:30 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ये दोनों लड़के अंदर आते हैं। मेरे घर के नज़दीक से दोनों ये लड़के दोनों सुबह आते हैं। मैंने इन्हीं को सुबह फोन लगाया, मैं बोला कमल को फोन लगाता हूँ। पहले 2 राउंड फायर हुआ, उसके बाद 5-6 राउंड फायर हुआ। मैंने कमल को फोन लगाया, कमल का फोन डेड था बिल्कुल, लेकिन वो लड़का ही मार दिया इन्होंने जिसको मैं फोन लगाया। मेरे मोबाइल पर भी वो नंबर है, इस नंबर डायल इसी लड़के का। लिहाजा ये बहुत ही गरीब आदमी है, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब